are you all? I hope you all are healthy and happy. So now children, let's be started to magical words. First thing, what do you know about magic? क्या आप लोग जानते हो कि magic क्या होता है? So I will tell you what is magic. कि magic क्या होता है? Magic means जादू. क्या होता है बच्चों? Magic means जादू. So let's shall we start magic words? चलो अब हम जानते हैं कि मैजिक वर्ड कौन से हैं और कैसे यूज हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में. चलो फर्स्ट मैजिक वर्ड इज हेलो. फर्स्ट मैजिक वर्ड इज हेलो. व्हेन वी ग्रीट समवन, जब हम किसी से मिलते होते हैं हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? हेलो. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लासरूम में आते हो और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करनी होती है, बातें करनी होती है, तो आप लोग क्या कहोगे? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप कौन सा वर्ड पहले यूज करेंगे बच्चों? हेलो. कौन सा वर्ड? हेलो. या फिर आपको अपने डैडी को कॉल करना होता है, हेलो डैडी, हाउ आर यू? आप जब घर आओ तो मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आना. आप लोग ऐसा बोलते हो ना, तो आप कौन सा वर्ड पहले यूज करते हो? हेलो. सो व्हेन वी ग्रीट टू समवन देन वी से हेलो. जब हम किसी से मिलते होते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेलो. देन सेकेंड वर्ड इज थैंक यू. सेकेंड वर्ड इज थैंक यू. When we, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तब हमको क्या बोलते हैं? थैंक यू. एंड when someone helps to you, then you say थैंक यू. जब आप लोगों की कोई हेल्प करता है या फिर आपका बर्थडे होता है तब आपको बर्थडे विश करता है ना, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, ऐसे आपको बेस्ट विशेस मिलते हैं ना, तब आप लोग क्या बोलते हो? थैंक यू. या फिर आप अपनी क्लासरूम में पेंसिल भूल जाते हो, बुक भूल जाते हो, कुछ नहीं लाते हो, देन आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है और आप लोग हैप्पी हो जाते हो ना, तब आप लोग क्या बोलते हो? थैंक यू फ्रेंड. व्हेन समवन हेल्प्स टू यू देन यू से थैंक यू. व्हेन थर्ड मैजिकल वर्ड इज वेलकम. थर्ड मैजिकल वर्ड इज वेलकम. व्हेन समवन सेज टू थैंक यू, जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तब हम क्या बोलते हैं? यू आर वेलकम. अभी हमने सीखा ना, जब हम थैंक यू बोलते हैं, सीखा ना बच्चों, जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमें क्या बोलना है? यू आर वेलकम. देन जब हमें कोई थैंक यू बोलता है देन अनदर पर्सन विल से यू आर वेलकम. देन नेक्स्ट वर्ड इज सॉरी. सॉरी ये वर्ड तो हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग डेली अपनी लाइफ में यूज करते ही है. सॉरी ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी कमिट एनी मिस्टेक, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सॉरी. आप अपनी क्लासरूम में आते हो, फिर आप बहुत सारी बातें करते हो, शैतानी करते हो, फिर आपकी टीचर आप पे गुस्सा होती है, देन यू फील सैड, आपको बुरा लगता है, तो आप लोग क्या बोलना है? आई एम सॉरी मैम, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन. आई एम सॉरी. सॉरी कौन सा वर्ड बोलना है बच्चों? सॉरी. आप अपनी मम्मी को भी बहुत तंग करते होगे, शैतानी करते होगे, फिर मम्मी को भी गुस्सा आता है ना, मम्मी विल बिकम एंग्री ना, तब आप लोग क्या बोलना है? आई एम सॉरी मम्मा, आई विल नॉट दिस रिपीट अगेन. तभी हम सॉरी वर्ड यूज करते हैं. व्हेन वी कमिट एनी मिस्टेक देन वी विल से सॉरी. देन नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज. प्लीज व्हेन
वी आस्क समथिंग, हमको कुछ चाहिए होता है, हमको कुछ कहना होता है, तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे बच्चों? प्लीज, कौन सा वर्ड? प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी मम्मा से चॉकलेट चाहिए होती है, तो आप क्या बोलते हो? मम्मा प्लीज गिव मी सम चॉकलेट्स, मम्मा प्लीज गिव मी आइसक्रीम। आप लोग प्लीज वर्ड यूज करते हो ना। फिर आपको आपको डैडी को बोलना होता है, डैडी प्लीज गिव मी टॉयज टू प्ले, डैडी मुझे खेलने के लिए टॉय दे दो ना, तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्लीज। कौन सा वर्ड बच्चों? प्लीज। जब हम क्लास में आते हैं तब हम यू फॉरगेट योर पेंसिल, आप अपनी पेंसिल भूल जाते हो, देन आपको अपने फ्रेंड से पेंसिल लेनी होती है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंड कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, तब हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज। अब अपनी फ्रेंड को फ्रेंड से पेंसिल मांगते हो ना, ऐसे ही हम लोग प्लीज वर्ड ऐसे यूज कर सकते हैं। सो बच्चों, हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, फिर से ये सब रिपीट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बोलना ठीक है। पहला वर्ड है हेलो। व्हेन वी ग्रीट टू समवन, जब हम किसी से मिलते होते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेलो। एंड द सेकेंड वर्ड इज थैंक यू। कौन सा वर्ड है? थैंक यू। जब किसी कोई हमारी हेल्प करता है तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? थैंक यू। देन वर्ड है वेलकम। जब कोई हमें थैंक यू कहता है तो फिर हमें उसके आंसर में क्या बोलना है? योर वेलकम। क्या बोलना है बच्चों? स्पीक लाउडली, योर वेलकम। द नेक्स्ट अनदर वर्ड इज सॉरी। सॉरी, व्हेन वी कमिट एनी मिस्टेक सो वी विल से सॉरी। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें उससे सॉरी बोलना है। देन द लास्ट वर्ड इज प्लीज। कौन सा वर्ड है बच्चों? प्लीज। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्लीज। ठीक है बच्चों, आई नो आपको अभी बहुत ही इंटरेस्ट आ गया होगा, है ना, इंटरेस्टिंग वर्ड सब। तो आप लोग भी अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ये सभी वर्ड्स ट्राई करना, और वो लोग भी हैप्पी हो जाएंगे और आप लोग भी हैप्पी हो जाएंगे। They will become also happy and you will be happy। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू किड्स एंड their पेरेंट्स टू वॉच दिस वीडियो। ओके, बाय एवरीवन, स्टे